बुलावे तुझे अरे अज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। बुलावे तुझे अरे अज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना। है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ। गाइस वेलकम बैक माय चैनल इंडियन यूट्यूबर श्वेता। फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं? आई रियली होप कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, करवा चौथ का ब्लॉग आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। करवा चौथ के एक दिन पहले फ्रेंड्स मैं अपने हाथ में खुद से ही मेहंदी लगाई हूँ, जो मैं मुझे आता है, जैसा आता है मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ एक हाथ में शगुन के लिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट डे शाम का ब्लॉग है, यहाँ पे मैं जो भी प्रसाद वगैरह फल वगैरह चढ़ाना है उनको वॉश करके रख रही हूँ। साथ में गुलगुला बनाने की तैयारी कर रही हूँ फ्रेंड्स, जो मीठा वाला गुलगुला बनता है आप लोगों को पता होगा। तो ये फ्रेंड्स मैं प्रसाद में चढ़ाने के लिए यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ, बस नहा ली हूँ, नहाने के बाद ये बना लूँ फिर रेडी होकर मिलती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल इंडियन यूट्यूबर श्वेता। फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं? आई रियली होप कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स बस मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर की उसके बाद रेडी हो गई, इसके बाद मिल रही हूँ। बीच में काफ़ी बार लाइट हो हुआ है और काफ़ी देर भी हो रहा है, तो फटाफट मैं पूजा कर लूँ फिर आप लोग से मिलती हूँ। और मैं थोड़ा बहुत तैयार हुई हूँ और आप लोग देख सकते हैं, अगर अच्छी लगूँ तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। और ये रहा मेरा मेहंदी, कैसा लग रहा है? और फुल लुक थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। तो बस इतना ही तैयार हो पाई हूँ। और हेयर तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं सीधा मांग निकालने का कोशिश की हूँ, इसलिए ऐसे करके ना दबाई हुई हूँ पान से। बाकी देखते हैं, बाद में मैं पूरा बैक बंद भी कर लूँगी, क्योंकि मुझे ना बहुत गर्मी लग रहा है। जब भी मैं फास्ट रहती हूँ बिना पानी वाला ना, मेरे को बहुत गर्मी लगता है, पता नहीं क्यों, बहुत पसीना आने लगता है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा, जो हो पाएगा वो मैं शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स इस बार मैं करवा चौथ पूजा कैसे की हूँ ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे मैं करवा के अंदर गुलगुला भर रही हूँ। और पिछले साल मैं करवा चौथ पूजा कैसे की हूँ अच्छे से विधि अपने चैनल पे शेयर की हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रख दूंगी फ्रेंड्स, अगर देखना हो तो आप लोग देख लीजिएगा। अभी फ्रेंड्स मैं शॉर्टकट में बताऊं तो सबसे पहले रेड कलर का कपड़ा बिछा ली हूँ, इसके बाद तीन अष्टदल कमल बना दी हूँ, दो अष्टदल कमल पे करवा माता का करवा रख दी हूँ और एक पे कलश स्थापना कर दी हूँ। कलश स्थापना आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स, सबसे पहले गंगा जल के बाद पानी, हल्दी, सुपारी, अक्षत, एक रुपए का सिक्का डालने के बाद ऊपर से आम का पत्ता रखे, इसके बाद नारियल में रक्षा सूत्र लपेट के रक्षा सूत्र की जगह अगर आपके पास लाल चुन्नी हो तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। वस्त्र देते हैं भगवान को। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे मैं दिया जला ली हूँ, दिया जला के भगवान को साक्षी मान के फिर इसके बाद स्नान करा रही हूँ सारे भगवान जी को। एक अंगूठे के साइज का शिवलिंग भी बना ली हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे पार्वती माता जी का पूजा कर रहे हैं हम लोग, करवा माता का पूजा कर रहे हैं तो उनका पूरा परिवार रहेगा। सुपाड़ी में रक्षा सूत्र लपेट के गणेश भगवान बनाई हूँ फ्रेंड्स, और एक हल्दी जो है वो है पार्वती माता जी, सभी को साक्षी मान के इसके बाद मैं पूजा कर ले रही हूँ। सबसे पहले स्नान की करवाई हूँ, सारे चीजों को स्नान करवाई हूँ फ्रेंड्स, करवा को, कलश को, भगवान जी को, इसके बाद टीका लगा के जनेव चढ़ाई हूँ, फूल चढ़ाई हूँ फ्रेंड्स, इसके बाद पान के पत्ते पे लौंग और इलायची भगवान जी को अर्पण की हूँ, इसके बाद चंद्रमा भगवान जी की पूजा कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो सफेद मिठाई होना चाहिए, इसलिए कोई भी व्हाइट कलर का मिठाई जरूर चढ़ाना चाहिए। ऊपर फ्रेंड्स करवा के ऊपर जो प्लेट है इसके ऊपर मैं पिछले साल पूड़ी रखी थी, लेकिन पूड़ी ना सूख जाता है, या कोई भी पकवान रखो ना तो वो पूजा करके बहुत देर होने के बाद ना सूख जाता है, इसलिए मैं इस बार कुछ नहीं रखी हूँ। तो उस जगह पे आप चाहें तो ऐसे ही अक्षत रख सकते हैं, अक्षत से ही भगवान जी का पूजा का शुरुआत होता है और अक्षत से ही आप लोग नोटिस कीजिएगा भगवान जी के पूजा का एंड होता है।
सो फ्रेंड्स मैं सारे घर में भी ना अभी दिया दिखा ली हूँ, इसके बाद भगवान जी का पूरा पूजा कर ली हूँ, कथा वगैरह पढ़ ली हूँ। इसके बाद ये मैं कर रही हूँ फ्रेंड्स, भगवान जी का करवा जो है वो मैं घर में फेर रही हूँ, क्योंकि मैं अकेले पूजा करती हूँ फ्रेंड्स, तो मेरे साथ कोई है नहीं जिससे मैं थाली फेर सकूं, इसलिए मैं यहाँ पे राइट टू लेफ्ट करवा माता का जो करवा है इसको फेरते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे बोलते हैं माता सुहाग दे माँ सुहाग ले, माँ सुहाग दे माँ सुहाग ले, सात बार ऐसे फेरते हैं। जो सातवां बार का जो करवा रहता है ना फ्रेंड्स, जो लास्ट वाला रहता है वो हमारा हो जाता है और पार्वती माता वाला हमारे पास आता है, और जो एक और रहता है वो सासू माँ को देकर जो भी है साड़ी कपड़ा या कोई पैसा देके उनको प्रणाम करना चाहिए। तो मेरी सासू माँ तो दूर हैं फ्रेंड्स, तो मैं बस ऐसे ही पूजा कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स पूजा जस्ट अभी हो गया है और मेरा तो हालत खराब हो गया है, भले मैं तैयार हो गई हूँ, मेरा ना सर ही घूमने लगता है, मुझे गैस का प्रॉब्लम है और मैं रात को ना दवाई नहीं खाई हूँ इसी के कारण, मतलब मैं उठ ही नहीं पाई थी, 3 बजे अलार्म लगा के भी नहीं उठ पाई थी। तो अभी गए हैं, हस्बैंड को भेजी हूँ, छत का अगर लाइट जलता है तो जला देंगे, छत पे चलते हैं, जो हो पाएगा वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी, जितना हो पाया है शेयर की हूँ। फ्रेंड्स प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, है ना, सपोर्ट बताइएगा आप लोग को कैसा लग रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हस्बैंड मेरे आ गए, इसके बाद हम लोग आ गए हैं छत पर, तो बस लाइट थोड़ा कम है फ्रेंड्स, तो आप लोग ऐसे ही देख लीजिए। तो चंद्रमा भगवान जी को सबसे पहले मैं यहाँ पे जल चढ़ा दे रही हूँ फ्रेंड्स, इसके बाद नीचे में मैं पूजा भी की हूँ, टीका लगा के फूल वगैरह दे के भगवान जी का पूजा भी की हूँ, लेकिन नीचे का ना उतना अच्छे से क्लिप नहीं आ पाया है, तो मैं लास्ट में आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। और फ्रेंड्स सासू माँ को सुहाग का सामान भी देना चाहिए, लेकिन मेरी सासू माँ दूर है और मैं हर बार रखती हूँ, बट इतना समय के बाद जाना होता है ना कि मेरे जाने के समय, ट्रैवल के समय मुझे ध्यान नहीं रहता कि हाँ मैं ले लूं, इसलिए मैं अब कुछ भी नहीं रखती हूँ उनके नाम से, कोई भी पैसा वगैरह मन में मान के या भगवान के पास चढ़ा के रख देती हूँ, जब मिलते हैं तो कुछ लेके देने का कोशिश करती हूँ उस पैसे का। तो बस भगवान जी का यहाँ पर नीचे मैं पूजा की हूँ फ्रेंड्स, उसको मैं कट कर दी हूँ, कुछ भी शूट नहीं हो पाया है, लास्ट में आप लोग को दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पे चंद्रमा भगवान जी का भी आरती कर लेंगे सबसे पहले, इसके बाद हस्बैंड का करने के बाद हस्बैंड को टीका लगाएंगे, फिर उनके हाथ से पानी पियेंगे और एक स्वीट भी खा लेंगे, और फ्रेंड्स हस्बैंड को प्रणाम भी करेंगे। और रक्षा सूत्र जो लपेट के रखी थी ना छन्नी में, ये देखिए, तो ये रक्षा सूत्र भी हस्बैंड को बांध देंगे। तो ये था फ्रेंड्स थाली, और ये मैं की हूँ यहाँ पे पूजा। आटे का दिया बना के फ्रेंड्स, चार मुख का दिया जला के चंद्रमा भगवान का पूजा किया जाता है। पूजा करने के बाद हम लोग आ गए हैं फ्रेंड्स पंजाबी रसोई, घर के पास में ही है, तो बस हस्बैंड मुझे आज लेकर यहाँ पे आए हैं। मैं हर साल करवा चौथ में फ्रेंड्स रात के समय चंद्रमा भगवान का पूजा करने के बाद सीधा मैं बाहर जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स ऐसे बाहर जाना। डेली तो हम घर में डेली बना के खाना खाते ही हैं, और कुछ चीज़ें वो भी करना चाहिए जिससे हमको खुशी मिले। तो बस हम लोग दो लोग हैं तो हम लोग दो लोग आ जाते हैं, और भी फैमिली होगी तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि शाम को बाहर जाएं, क्योंकि निर्जला फास्ट रहता है, फिर घर में सारा चीज़ बनाओ फिर खाओ, वो तो हम डेली बनाते और खाते हैं ही, बट इस टाइप का भी कुछ मौका मिलता है तो अच्छा लगता है। तो बस हम लोग आ गए हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, और म्यूजिक चल रहा है तो कहीं कहीं पे आप लोग को सुनने के लिए भी म्यूजिक मिलेगा, अदरवाइज कॉपीराइट आएगा, इसलिए मैं म्यूजिक म्यूट कर दी हूँ। पंजाबी रसोई है फ्रेंड्स, तो काफ़ी पंजाबी फैमिली भी यहाँ पर आए हुए हैं, और ज़्यादातर लोग ट्रेडिशनल आए हुए हैं, यानी कि करवा चौथ है तो करवा चौथ स्पेशली सेलिब्रेट कर रहे ही यहाँ पर आए हुए हैं, तो अच्छा लग रहा है, मुझे भी अनकम्फर्टेबल नहीं लग रहा है, नहीं तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगता है इतना ज़्यादा रेडी वगैरह होके जाने में। ये फ्रेंड्स मंगवाए हैं नसीली पनीर टिक्का, मेरे हस्बैंड मंगवाए हैं, नाम थोड़ा अजीब है बट पूछे क्या नाम है। तो बस स्टार्टर खाने के कुछ देर बाद मंगवाए थे फ्रेंड्स बटर पनीर और नान रोटी, बस इतना ही मंगवाए थे फ्रेंड्स, और सैलेड। तो बस कुछ देर इंजॉय किए, एटलीस्ट 2 आवर या उससे थोड़ा ज़्यादा। तो फ्रेंड्स हम लोग काफ़ी देर इंजॉय किए यहाँ पे, खाना वगैरह खा लिए, रिलैक्स फील हो किए, इसके बाद अब हम लोग निकलेंगे।
फ्रेंड्स, अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए और इसी होटल में हम लोग आए थे फ्रेंड्स, पंजाबी रसोई रेस्टोरेंट एंड बार। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर, और करवा चौथ के लिए काफ़ी स्पेशल अंदर ऑर्गेनाइज भी किया गया था और काफ़ी फैमिली भी आई हुई थी करवा चौथ स्पेशल के लिए ही। तो बस हम लोग भी थोड़ा देर यहाँ पर बैठे हैं, इसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। फ्रेंड्स, हम लोग घर आ गए और मैं बहुत सारा इंस्टाग्राम पे रील्स बनाई हूँ क्योंकि मुझे बहुत सुकून मिलता है रील्स वीडियो बना के, एक अलग ही मज़ा आता है। पता है मैं फास्ट हूँ ना, इस वजह से मेरा ना हेड पेन तो चालू था ही और काफ़ी अभी देर अभी है, तो अब मैं जा रही हूँ ड्रेस चेंज करने और वीडियो का एंड नहीं की थी इसलिए मैं फिर से स्टार्ट की हूँ। अगर मेरा वीडियो आज का मेरा ब्लॉग अगर थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट करके बताइएगा कि आप हमको देख रहे हैं, ठीक है। और चैनल पे न्यू है तो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, एक न्यू ब्लॉग में आप लोगों के साथ मिलती हूँ। अब मैं जा रही हूँ ड्रेस चेंज करने। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, बहुत सारा रील्स वीडियो बनाई हूँ, देखिएगा और देख के बताइएगा कैसा बना है। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।